यार पागल जो उनको देखने के बाद ना मुझे जेठालाल का यही वाला मीम याद आता है। और दूसरी बात, ये बड़े बड़े यूट्यूबर को रोस्ट करने का टेंडर ना सिर्फ आपने ले रखा है, मतलब वो सॉन्ग बनाते हैं और ये उन सॉन्ग को रोस्ट करती है। एक्चुअली मैं सच बोलूं तो मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा मन नहीं था कि मैं फुकरा इंसान के गाने के ऊपर कोई रोस्ट वीडियो बनाऊंगी, बट दीदी जी के आजकल व्यूज डाउन जा रहे हैं। मतलब पिछली वाली वीडियो में आई थिंक 30,000 भी व्यूज नहीं हुए थे अभी तक। तो दीदी जी ने जैसे ही देखा फुकरा इंसान का एक सॉन्ग आया है, क्यों ना इसके बारे में उल्टा पुल्टा बोलूं, और जब वो सॉन्ग में व्यूज़ आ रहे हैं तो इनके में भी आ जाएंगे, क्योंकि इनके चाहने वाले बहुत हैं। तो दीदी जी को मतलब व्यूज़ नहीं आएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, व्यूज़ आएंगे तो ही तो पैसा आएगा ना। तो मतलब एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो यार इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोग अपने चप्पल जूते सब उतार दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी कमेंट्स तो आप ऐसे सुपर करते हो जिनका कोई जवाब ही नहीं है। और यार इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो Q&A वीडियो, उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स रह गए थे, हम पार्ट टू बनाएंगे, उसमें उनको कवर कर लेंगे। और थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए, थैंक यू सो मच। अब इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो अगर अच्छा लगे तो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो चलो अब रोस्ट शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। पिछली बार जब उनका गाना आया था बिग लाइफ, तब उस टाइम पे मेरे को काफी सारे लोगों ने, लिटरली काफी लोगों ने मेरे को बोला था कि प्लीज आप फुकरा इंसान के बिग लाइफ के ऊपर कोई रोस्ट वीडियो बनाइए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बट उस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाया, थोड़े से पर्सनल कुछ प्रोफेशनल रीजंस की वजह से। क्या पर्सनल और प्रोफेशनल रीजन से? मतलब पर्सनल तो मुझे समझ में आता है, भाई प्रोफेशनल कौन सा रीजन था? मे बी हो सकता है उस टाइम पे इनका माफी मांगने वाला कार्यक्रम चल रहा हो, क्यों? बट कोई बात नहीं, इस टाइम हम जरूर उनके गाने को रोस्ट करने वाले हैं, वो भी मिलके। से मिलके? अरे भाई ये सब काम तुम अकेले करते हो, तुम्हारे साथ इसमें किसी का भी हाथ नहीं है। और मतलब इसका जो आप काम करते हो ना, इसका क्रेडिट आप खुद तक सीमित रखिए, सबको ना बांटेगा। और जो ये बोलती है ना कि मेरी ऑडियंस कह रही थी इसको रोस्ट करो, रिएक्शन दो, जो भी करना है कुछ तो करो, एक बार कमेंट करके बता दो यार, जो जो इनकी ऑडियंस है इनको भी पता चलना चाहिए ना इनकी कितनी खतरनाक विशाल ऑडियंस है। तो एक बार आप कमेंट करके बता दो यार इनकी ऑडियंस जो है। यहाँ पे मैंने पूरी तैयारी कर ली है गाने को रोस्ट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना ईयरफोन ले लिया है, तो चलिए साथ में देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है सॉन्ग। ओके, तो आप देख रहे हो कि पागल जोन ने पूरी तैयारी कर ली है रोस्ट करने की। एक बात बताती हूँ, जब और लोग रोस्ट करने की तैयारी करते हैं ना, तो मतलब वो लोग पूरा रिसर्च करते हैं उस चीज़ के बारे में, इतनी सारी चीज़ें डाउनलोड करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है उनको चीज़ों को ढूंढने में, उनको स्क्रिप्ट लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन पागल जोन को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, वो है हेडफोन कान में लगाओ, और यहीं पर उनकी तैयारी शुरू और यहीं पर उनकी तैयारी खत्म हो जाती है। क्योंकि इसके बाद तो ये वो बोलती है जो इनके मन में आ रहा होता है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ओके, फुकरा इंसान प्रेजेंट। मतलब इस लड़की के मुंह पे आप एक बार ये स्माइल देखो, मतलब कितनी जेंटल स्माइल दे रही है, जैसे कि अब बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेगी, अभी फूल बरसेंगे इसके मुंह से, लेकिन इसके मुंह से कुछ और ही बरसता है। पता क्या बरसता है इसके मुंह से? जब ये किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाती है और पूरा टॉपिक लिखने के बाद एक इमोजी यूज़ करती है, हर चीज हर जगह पे वो इमोजी यूज़ करती है, वही टपकता है इसके मुंह से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। सो फ्लाई हाई जब इन्होंने शुरुआत किया है अपने गाने का, तो स्टार्टिंग में ये दिखा रहे हैं कि अपनी गाड़ी को कितना ज्यादा तेज चला रहे हैं। तो मेरे मित्रों आप लोग तैयार हो उसकी उस रोस्ट को देखने के लिए, जिसको मतलब ये खुद नहीं देख पाएगी अगर ये वीडियो खोल के देखना चाहे तो। मतलब अब आप तैयार हो जाइए ऐसे ऐसे तर्क वितर्क सुनने के लिए, जिसका इस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे यार मतलब एक एक लाइन का जो पोस्टमार्टम होगा ना, अब देखो क्या होता है। तेज चलाते हुए गाड़ी को लिख दिया फ्लाई हाई, मतलब मेरे हिसाब से फ्लाई हाई का मतलब होता है कि आप अपनी गाड़ी को इतना तेज चलाएं कि वो गाड़ी हवा में उड़ने लगे, है ना? फ्लाई हाई का मतलब होता है कि किसी चीज का आसमान में उड़ना, लेकिन ये तो अपनी गाड़ी को लेकर धरती पे चल रहे हैं, तो ये गाना ही गलत है। मुझे पहले ही पता था ये गाना ही गलत है। इसी तरीके के ये पॉइंट रखती है भाई, इसी तरीके के पॉइंट रखती है। अभी आपको पूरी ट्रैफिक रूल समझाएगी आगे, कैसे गाड़ी चलानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अभी आपको ये भी बताया जाएगा कि जो ट्रिगर्ड इंसान की ऑडियंस है और जो फुकरा इंसान की ऑडियंस है वो बच्चे हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये देखने के लिए बने रहिए आप मेरे साथ। देखो मेरे को पता था
फुकरा इंसान का गाना है तो भाई गाड़ियां वाड़ियां तो ये दिखाएंगे, शो ऑफ तो जरूर होगा ही होगा भाई, फुकरा इंसान का गाना है, अभिषेक भैया के गाने में ये तो जरूर होगा, तो वही हो रहा है। अगर कोई अपने सॉन्ग में गाड़ियां दिखा रहा है तो वो शो ऑफ कर रहा है, लेकिन अगर यही फुकरा इंसान अपने इसी वीडियो में कुछ ना दिखाते हो तो इतना पैसा है तुम्हारे पास तब भी तुम वीडियो अच्छी क्यों नहीं बना रहे हो, तो उस पैसे को लगा क्यों नहीं रही हो। तो ये इस तरीके के ऐसे पॉइंट रखते हैं, मतलब अगर दिखा रहे हैं तो शो ऑफ कर रहे हैं, ना दिखाते तो अच्छा क्यों नहीं बनाया गाना, सुना नहीं है। लेकिन मैं पहले बता सकती हूँ गाने में होगा बहुत ज्यादा शो ऑफ, बहुत ज्यादा खुद की तारीफ कि हमने तो कितना कुछ हासिल कर लिया है लेकिन कोई और नहीं कर पाया। तो इस बात के पीछे का मुझे कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, हर गाने में ऐसा होता है कोई ना कोई चीज दिखाई जा रही होती है, कहीं पे बड़े बड़े बंगले दिखा रहे हैं, कहीं पे गाड़ी दिखा रहे हैं, कहीं पे कुछ और दिखा रहे हैं, मतलब अगर कोई ये चीज दिखा रहा है तो वो शो ऑफ कर रहा है कि ये दिखा रहा है मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैंने बहुत चीजें हासिल कर ली है जो सामने वाले ने नहीं किया या किसी और ने नहीं किया। यार उन्होंने अगर कोई अपने सॉन्ग में ये चीज दिखा रहा है तो क्या वो ये बताना चाह रहा है कि किसी और ने ये चीज हासिल नहीं की है, सिर्फ मैंने की है? और ऐसा उन्होंने कहाँ पे किया, कहाँ पे कहा उन्होंने ऐसा, मतलब यार कुछ भी। गाना शुरू हुआ है, गाने की शुरुआत में भाई साहब ने ऐसी लिरिक्स डाली है कि पता नहीं क्या सिखाना चाहते हैं लोगों को। कह रहे हैं कि हम तो हाईवे पे बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, स्पीड लिमिट तोड़ देते हैं, लेकिन हमें पुलिस वाला भी कुछ नहीं बोलता। तो ये क्या आप बहुत अच्छा करते हैं, आप अपनी जितनी स्पीड लिमिट दी गई है उससे भी तेज गाड़ी चलाते हैं, कोई आपको रोकता नहीं है। तो मतलब यार आप जब भी सॉन्ग सुनते हो, सॉन्ग के लिरिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो रियल में नहीं होती है लेकिन सॉन्ग के लिरिक्स में होती है, तो क्या वो सारी चीज़ें सही है, क्या एग्जैक्टली वैसा ही होता है? मतलब अगर उन्होंने इस तरीके से सॉन्ग बना दिया कि मैं इतनी तेज़ चलाता हूँ और इस तरीके से, तो इस पे भी ये अभी देखो क्या क्या बातें बोल रही है कि ये चलाना क्या सही है, ये करना क्या सही है। भाई अगर ये टोनी कक्कर के सॉन्ग के ऊपर दिमाग लगाने लगे ना तब तो ये पता नहीं क्या करेगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही दिमाग है और उनके लिरिक्स में कुछ ज़्यादा ही लगा होता है। तो मतलब हद है यार, मतलब जैसे कितने सारे सॉन्ग है वो है मैं निकला गड्डी लेके, ये उस पर बनाएगी तो ये कैसी कर देगी उनके ऊपर कि ट्रैफिक तोड़ के आ गए वो, तो हद है यार, मतलब कुछ भी उसे पूरी ऑडियंस को बता रहे हैं। और मेरे को जहाँ तक पता है इनकी ऑडियंस छोटे बच्चे हैं। कौन देता है इनको ये नॉलेज, मतलब ट्रिगर्ड इंसान के बारे में भी इन्होंने यही कहा था और फुकरा इंसान के बारे में भी अब ये यही कह रही है कि इनके ऑडियंस जो है वो बच्चे हैं। मतलब हाँ यार बड़े बड़े लोग तो सिर्फ पाल जन की वीडियो देखते हैं और वहाँ पे यार इसको लगता है कि सिर्फ इसकी ऑडियंस बड़े बड़े लोग हैं, और अपनी ऑडियंस है किसको बोलती है यार, कुछ ऐसा किया है इसने कि लोग इसकी ऑडियंस बने? नहीं कह रहे सेल्फ मेड किसी के आगे नहीं झुकता, ये है सेल्फ मेड, मतलब लिटरली यार अगर ये सेल्फ मेड है तो हम लोग क्या है, हमारे यूट्यूब पे कोई गॉड फादर नहीं है, हमें कोई आगे लेकर नहीं आया, हमें किसी ने प्रमोट नहीं किया है। बट फुकरा इंसान ने तो कुछ लिटरली स्टार्टिंग में कोई मेहनत नहीं करी है, इनको इनके भैया जो है ट्रिगर्ड इंसान उन्होंने प्रमोट कर दिया यूट्यूब। यार इस चीज पे मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है पागल जोन से कि आपके घर में स्कूटी है जो आपके भाई की है और आपको मार्केट जाना है, लेकिन वो स्कूटी आपके भाई की है, तो आपने क्या डिसाइड किया कि अब मैं पैदल जाऊंगी? आपके भाई ने अगर आपको बोला मैं तुमको ड्रॉप कर दूंगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? यार साफ बात है, अगर आपके घर में किसी का चैनल ग्रो हो रखा है या लोग उसको पसंद करते हैं, उनके रिलेटिव या उनके भाई बहन चाहते हैं चैनल बनाना, तो हाँ ये भी है कि वो बिना अपने भाई बहन की हेल्प के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उनके घर में पहले से ही कोई है जो उनको प्रमोट कर सकता है तो उसमें बुराई क्या है? हर कोई चाहता है ग्रो करना और भाई बहन की हेल्प तो सभी करते हैं यार। अभी पागल जोन अगर पॉजिटिव तरीके से फेमस हो जाती है या अभी फेमस हो जाए और लोग इनको पसंद करने लगे, तो भाई ऑब्वियसली बात है ये भी अपने बहन का चैनल बना देंगी और उसको प्रमोट करने लगेगी, तो इसमें गलत क्या है अगर किसी ने अपने भाई बहन की मदद कर दी है? आई डोंट थिंक इसमें कोई चीज़ बुरी है, बाकी अपनी किस्मत होती है यार। सो हम किसी के ऊपर इस चीज़ से चिढ़ के ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने अपने भाई की मदद ली है या फिर उन्होंने अपनी बहन की मदद ली है, ये तो एक नॉर्मल सा नेचर है इंसान का, लोग करते ही अपने भाई बहन की हेल्प, तो इसमें क्या गलत कर दिया यार? सो यार इनकी पूरी वीडियो में अजीब अजीब से इन्होंने तर्क वितर्क रखे हुए थे कि ये हेलमेट नहीं लगाते हैं, ये गाड़ी तेज चलाते हैं, इसे रोस्ट बोलते हैं क्या? मतलब क्या था यार ये, मतलब एक सामान्य मनुष्य की पहुंच से काफ़ी दूर थी ये चीज़ें। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और किसी ने मतलब कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि इसने एक और वीडियो बना दिया है, एक और रायता फैला दिया है उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, सो मैंने वीडियो बना दी। अरे आपको Q&A कैसा लगा यार, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। आपने कहा था मैं चैलेंज वीडियो करूँ, ऑब्वियसली यार करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और पता नहीं कब सुधरेगी यार वो पागल जोन।